हेलो फ्रेंड्स, सो दोस्तों क्या हाल है। तो गाइस फाइनली जाकर वन प्लस ने अपना फ्लैगशिप फोन वन प्लस 11R को लॉन्च कर दिया है और जो इसके फीचर है वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलते ही है। पर हाँ, अब लग रहा है कि वन प्लस ने कुछ हटके काम किया है इस फोन के साथ। प्राइस के साथ आने वाला है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहेगा कि नहीं, सभी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तैयार, वीडियो कर दो लाइक और चैनल को जरूर से कर लो सब्सक्राइब। अब बात करते हैं फोन के लुक्स एंड डिजाइन की, यानी कि फोन दिखता कैसा है। ग्लास पैनल के डिजाइन के साथ आपको बीच में वन प्लस का लोगो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखोगे तो बड़े सा एक कैमरा की डिजाइन देखने को मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी लग रही है, जो कि जनरली हमें वन प्लस के फोनों में देखने को मिलता ही है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर की, वो तो दोस्तों स्मार्टफोन का डिस्प्ले। तो दोस्तों डिस्प्ले में तो पता ही होगा कि वन प्लस कोई भी कमी नहीं छोड़ता अपने वन प्लस के फोन में। तो इसमें भी देखोगे तो 6.7 इंच का फुल HD सेंटर पंचोल कैमरे के साथ 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ एक फुल LED AMOLED पैनल देखने को मिलता है। यार ये डिस्प्ले तो हो गई बिल्कुल नॉर्मल, जो कि हमें सभी फोनों में ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जा रहा है। इसे खास बनाने के लिए इसमें आपको दिया गया है कर्व डिस्प्ले, और कर्व डिस्प्ले ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ रहने वाली है। 1080p से ऊपर रखा गया है और 2K डिस्प्ले से थोड़ा सा नीचे मान लीजिए, बीच में एवरेज लगा के काफी बेस्ट डिस्प्ले मिलती है। तो यार जो आपका कॉन्टेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। रेम एंड रोम में देखोगे तो ये सिर्फ आपको 2 ही वेरियंट में देखने को मिलेगा। बेस वेरियंट लेने चाहते हो तो 8GB के साथ आ जाता है। टॉप ऑफ द रेंज चाहिए तो इसमें आपको 16GB का ऑप्शन दिया गया है, 16GB प्लस 256GB रैम रोम के साथ ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफी नेक्स्ट लेवल पर रखा गया है। 3.5mm जैक इसमें नहीं मिलेगा। जो अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के मेन और मेन हाइलाइटिंग फीचर की, जो कि फोन को पावर देता है। तो जी हाँ, पावर से आप समझ गए होंगे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में देखते हो तो एंड्रॉइड का एक बेस्ट पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1, और ये 4nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो काफी बैटरी बचाता भी है और काफी ज्यादा पावर निकाल के दे देता है। जो आपकी गेमिंग रहने वाली है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रहने वाली, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। प्राइस जानने के लिए हमारे साथ आगे बने रहे। यार ओवरऑल एक बेस्ट 5G का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बेस्ट गेमिंग फोन का भी एक्सपीरियंस दे देगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरास की, जो कि आपको पीछे बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। तो यार आखिरकार कैमरे में है क्या? तो पीछे में देखोगे तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, यानी 3 कैमरे पीछे में देखने को आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट एंड प्राइमरी कैमरा की बात कर ले तो 50MP का प्राइमरी कैमरा आपको सोनी के सेंसर्स के साथ देखने को मिल जाता है, और ये OIS को सपोर्ट करता है, तो काफी स्टेबल फोटोज एंड वीडियोस आप निकाल सकते हो। वहीं पे देखते हो तो 8MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है एंड 2MP का मैक्रो लेंस रखा गया है। और वहीं पे फ्रंट कैमरा सेल्फी की बात कर ले तो 16MP का आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एक बेस्ट कैमरा डिजाइन के साथ काफी अच्छे फीचर्स कैमरे के साथ मिल जा रहे हैं। कल एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 साल के आपको सिस्टम अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे इसमें। और वहीं पे देखें तो ऑक्सीजन OS पे ये वर्क करता है, जो कि काफी अच्छा लगता है। यहीं पे बात कर लो सेंसर्स की, तो सेंसर्स आपको सारे देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक जैसे सभी फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। यार अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बैटरी की, जो कि हमारा लास्ट एंड पॉइंट आ जाता है। तो अगर हम एक फ्लैगशिप फोनों की बात करते हैं तो उसमें वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बैटरी को थोड़ा छोटा रख दिया गया है, जिससे कि वेट उसका कम हो सके, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी काम नहीं किया गया है। बैटरी में देखते हो तो 5000mAh की आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, तो 1 से 1.5 दिन तक बैटरी बैकअप आपको नॉर्मल यूज में काफी अच्छे तरीके से दे देगी। और वहीं पे अगर हम चार्जिंग की बात करें वो भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इसमें आपको 100W की चार्जिंग देखने को मिलती है, और जो ये 100W का चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। 5000mAh की बैटरी, 100W का चार्जर, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है फोन के लिए, जो कि एक फ्लैगशिप फोन से हम कह सकते हैं। यही थे ओवरऑल OnePlus 11R के स्पेसिफिकेशन। फाइनली बात कर ली जाए कि क्या ये फोन अपने प्राइस पे वर्थ इट करता है, जो जो इसके साथ फीचर आ रहे हैं वो किस प्राइस पे आ रहे हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। 8128GB का प्राइस आपको 40,000 यानी 40,000 रुपए देखने को मिलता है, और 40,000 रुपए के हिसाब से एक बेस्ट फीचर्स वाला फोन ही मिल जाता है आपको। यार ये थे हमारे OnePlus 11R के स्पेसिफिकेशन। यार ओवरऑल हम इसे एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन कह सकते हैं, जो कि अंडर 40,000 देखने को मिल रहा है, और फर्स्ट सेल में आपको काफी चीपेस्ट प्राइस में देखने को मिल सकता है इसके ऑफर्स के साथ। तो फ्रेंड्स ओवरऑल यही था हमारा OnePlus 11R, वैसे आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता सकते हैं, एंड क्या आपके हिसाब से प्राइस वर्थ इट है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अगर चैनल पे यार नए हो तो वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल को जरूर से कर दो सब्सक्राइब, ताकि आप और ऐसी वीडियो देख पाए।